Namo Rihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loye Trikalavarti Savasahum. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautamogani, Mangalam Kundakundariyo, Jain Dharmostumam. Sarva Mangalyam, Mangalyam, Sarva Kalyanam Karakam, Pradhanam Sarva Dharmanam, Jainam Jayatu Sasanam. Omkara Bindu Sanyuktam Nityam Dhyanti Yoginam Kamadam Moksadam Cheva Omkaraya Namo Nama Nama Samay Saraya Swanu Bhutya Chakaste Chiswabhavaya Bhavaya Sarva Bhavantarchite Agnanti Mirandhanam Gnana Jan Salakaya Chaksurun Militam Yenam Tasma Sri Guruve Nama Atma Gnanam Swayam Gnanam Gnana Danyat Karotikim Parvhavasya Kartatma Mohoyam Vyavaharinam Mangalmay Mangalkaran Vitraga Vignan Namuta Hijate Bhe Arihantadi Mahan Om Namasidevya 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 महावीर परमात्मा का यह शासन कुंतकुन आचार्य भगवान की आमनाई अमरचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा और पूज्य गुरुदेव श्री का परम मंगलमय सानिध्य ऐसा अति पावन पवित्र जैन दर्शन और उसी गुरुदेव के सानिध्य में एक अलौकिक द्रव्य दृष्टि देने वाले महापुरुष पूज्य सोगानी जी का यह द्रव्य दृष्टि प्रकाश आज अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से 13वीं गाथा सुनी वो गाथा भी अद्भुत है अलौकिक है पर्याय की ओर से देखा जाए तो होने योग्य होता है और द्रव्य की ओर से देखा जाए तो मैं अपरिणामी यूं का यूं रहता हूं ऐसी एक अद्भुत गाथा जिस मुमुक्षु समाज के कर्ण पे पड़ी है वो जब शुद्धात्मा की ओर आगे बढ़ता है और गुरु का उपदेश मिलता है कि तू कर्ता नहीं है ज्ञाता दृष्टा है तो जीव इस मार्ग पे आगे बढ़ता है कि पर पदार्थ का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं मैं तो जाननहार देखनहार हूं तब यहां तक जीव अनंत बार आया कर्ता नहीं हूं ज्ञाता दृष्टा हूं यहां तक जीव अनंत बार आके वापस लौटा है क्योंकि वो बात पकड़ के रखे कि बस मैं करता नहीं हूं ज्ञाता दृष्टा हूं जाननार देखनार उसी संदर्भ में अभी यहां पे पूज्य सोगानी जी को यह प्रश्न किया गया ज्ञाता दृष्टा तो रहूं 682 नंबर का प्रश्न है तो उत्तर में सोगानी जी कहते नहीं वो करना ही नहीं ज्ञाता दृष्टा रहूं वो करना ही नहीं करने की बात तो है ही नहीं क्योंकि कर सकता नहीं लेकिन जानना देखना तो अपना आत्मा का स्वभाव है तो ज्ञाता दृष्टा तो रहूं कर नहीं सकता लेकिन जान तो सकता हूं तो उसका उत्तर सोगाने जी मना करते हैं कि नहीं वो करना ही नहीं क्या मतलब होता है इसका कि जानने देखने की क्रिया परिणाम में होती है और मैं अपरिणामी तो यदि मैं ज्ञाता दृष्टा रहूं इस बात पे यदि वजन जाएगा तो पर्याय दृष्टि बनी रहेगी पर को जानना तो मेरे में है ही नहीं लेकिन ज्ञायक को जानूं ऐसा भी मेरे में नहीं ये पर्याय का धर्म पर्याय का स्वभाव पर्याय की व्यवस्था है मैं उससे भिन्न उससे रहित
क्योंकि ज्ञाता दृष्टा रहूं इसमें भी जोर परिणाम के ऊपर जाता है। और सही माने में देखा जाए तो अनादिकाल की परिस्थिति यह रही कि वो परिणाम पर बैठा रहा, परिणाम से हटा नहीं बिल्कुल। अध्यात्म के क्षेत्र में आकर वितरागी देवगुरु शास्त्र को पाकर 11 अंग के अभ्यास को करके भी बस वो ज्ञाता दृष्टा पे आकर रुक गया। अच्छा, पर को नहीं जानता, ज्ञायक को तो जानूं। अभी जानता कौन है ज्ञायक को? जो ज्ञायक को जानता है वो मैं हूं कि ज्ञायक सो मैं हूं? ज्ञायक को जानने वाली तो पर्याय है जो ज्ञायक से अत्यंत भिन्न है। उसने कहते परिणाम पर बैठे तो जानने का करता हूं ऐसा दिखता है, कुछ नहीं करता लेकिन जानना तो है, जानता तो हूं, आत्मा को जानता तो हूं। कौन जानता है? मैं नहीं, मैं तो स्वयं ज्ञायक हूं, स्वयं भगवान हूं, स्वयं परमात्मा हूं। यहां से बात को कभी उठाई नहीं मैंने, जो भी बात चली वो परिणाम की ओर से चली। जब परिणाम की ओर से बात चलती है तो पर्याय दृष्टि कहलाती है। वो द्रव्यार्थिक नय के पक्ष में भी नहीं आया कि मैं ज्ञायक मात्र वस्तु, ज्ञायक मात्र परमात्मा, ज्ञायक मात्र भगवान में, इस बात पे आज तक जीव नहीं आया। उसलिए कहते परिणाम पर बैठे, मैंने ज्ञाता दृष्टा रहूं उसका मतलब है परिणाम पर बैठे। ये जीव का पक्ष रहा परिणाम का अनादिकाल से। अभी गुरुदेव श्री ने कहा कि नए निकसे प्रमाण भी असत्यार्थ अभूतार्थ है। जिसके पक्ष में आकर जीव अनादिकाल से गोथे खाता रहा, परिभ्रमण करता रहा, उसका कारण यदि देखा जाए तो अध्यात्म नहीं मिला, जैन शासन नहीं मिला ऐसा नहीं है, लेकिन उसको पाकर भी शुद्धात्मा के ऊपर नहीं आया, अपरिणामी परम परिणामिक भाव के ऊपर नहीं आया, उसके ऊपर वजन नहीं गया। जिनवाणी को पढ़कर आश्रव को टालने का और संवर को प्रकट करने का प्रयत्न करता रहा अनादिकाल से, लेकिन ये नौ तत्व एक जीव द्रव्य के समीप जाकर देखा जाए तो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, झूठे हैं, क्योंकि वो नौ भेद पाए नहीं जाते वस्तु में। ये दृष्टि हुए बिना स्वभाव के ऊपर आ नहीं सकता, स्वभाव का जोर नहीं आता, स्वभाव के ऊपर वजन नहीं आता। उसलिए कहते हैं कि परिणाम पर बैठे तो जानने का करता हूं ऐसा दिखता है, लेकिन इस निष्क्रिय वस्तु में तादात्म्यपन आया तो सहज ही परिणाम निर्मल होते हैं। लेकिन इस निष्क्रिय वस्तु में तादात्म्यपना आया, उसका मतलब निष्क्रिय वस्तु पे तादात्म्यपना नहीं आया आज तक। यदि उसमें तादात्म्यपना आवे तो सहज ही निर्मल परिणाम होते हैं। निर्मल परिणाम उत्पन्न करने का प्रयत्न झूठ है, बिल्कुल हो नहीं सकता। और आज तक उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करने का ही प्रयत्न किया, उसके सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्या दर्शन और क्या ज्ञान? मैं तो दर्शन और ज्ञान की मूर्ति हूं ऐसा नहीं देखा। त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की ओर से नहीं चला, उस ध्रुव स्वभाव के ऊपर में तादात्म्यपना नहीं आया। मैं हूं त्रिकाली ध्रुव निष्क्रिय परमात्मा, ऐसा नहीं होने से सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जैसा अपना त्रिकाल स्वभाव है वैसा अपने आप को देखना, बस यही जैन दर्शन का मार्मिक जगह है। और अपने त्रिकाली निष्क्रिय ध्रुव परमात्मा को मैं ऐसा हूं ऐसा देखना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किया नहीं जाता, सम्यक दर्शन सहज में होते हैं परिणाम, सहज में स्वाभाविक पने अपनी योग्यता से होते हैं परिणाम। जो स्वयं होते हैं सहज होते हैं उसको उत्पन्न किया नहीं जाता, और वो उत्पन्न हो उस लक्ष्य से ध्रुव की दृष्टि नहीं हो सकती।
कि ध्रुव की दृष्टि का मतलब ही यह होता है कि ध्रुव के अलावा और कुछ नहीं दिखना, दिखता ही नहीं मैं अपरिणामी के अलावा कुछ, मैं भगवान आत्मा उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सहजोतिक प्रक्रिया बहुत मार्मिक बात है। निष्क्रिय वस्तु में तादात्म्यपना आया तो निर्मल परिणाम सहज होते हैं। अपन निर्मल परिणाम हो उसलिए द्रव्य की ओर दृष्टि देते हैं। तो ये सही माने में देखा जाए तो अपने साथ में चीटिंग है, सेल्फ चीटिंग है कि हमारा हेतु सम्यक दर्शन है उसलिए मैं परमात्मा हूं ऐसा कहता हूं। अपने आप को परमात्मा अपने जो देखे उसकी दृष्टि सम्यक दर्शन के ऊपर या केवल ज्ञान के ऊपर या मोक्ष के ऊपर नहीं होती, क्योंकि वो परिणाम के अंदर में होने वाली व्यवस्था से मैं सहज सदा काल ही भिन्न हूं। एक बात पे वारंवार यदि वजन आवे तो स्वभाव की महिमा आवे, और स्वभाव की महिमा आवे तो बस मैं परमात्मा तत्व हूं इतना बस। विकल्प और निर्विकल्प ये मेरे में होता ही नहीं है। मेरे में विकल्प चल रहे और मेरे को निर्विकल्पता प्रकट करनी है, व्यवस्था ही मेरे में नहीं है। ये होगी दूसरी दुनिया की व्यवस्था, परिणाम की व्यवस्था, मेरे से भिन्न तत्व की व्यवस्था, लेकिन मैं निष्क्रिय परिणामी परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु हूं। ऐसा सहज भाव, ऐसी सहज दृष्टि, ऐसी स्वाभाविक दृष्टि, बस इतना सा जैन दर्शन है। इसके बाहर जैन दर्शन नहीं है। दृष्टि में तो मैं यही हूं, यही रहे, मैं यही हूं, यही रहे, बस इसके आगे और कोई बात नहीं है। मैं यही हूं, मैं परमात्मा ही हूं, बस बस इतनी सी बात, और यही रहे। जो उत्पन्न होती है व्यवस्था वो परद्रव्य की व्यवस्था है, मेरी नहीं। जिसका उत्पाद होता उसका व्यय होता, और उत्पाद व्यय से रहित त्रिकाली ध्रुव तत्व एक रूप रहने वाला निष्क्रिय तत्व अपरिणामी तत्व परम पारिणामिक भाव तत्व वो मैं हूं, बस यही रहे। इससे आगे जैन दर्शन नहीं है। और यही जैन दर्शन का प्राण है। अनंत तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ओम ध्वनि का प्राण यदि देखा जाए तो बस इतना ही है कि मैं निष्क्रिय वस्तु हूं। ये जो अस्खलित एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा सामान्य आत्मा, वो कभी विशेष में नहीं आता, न निगोद में आता न मोक्ष में आता। अब जो परिणाम में कभी आता ही नहीं, अनुभूति के परिणाम में नहीं आता, मोक्ष के परिणाम में नहीं आता, उस परिणाम की ओर से क्यों हम देखें जिसमें मैं कभी आने वाला ही नहीं हूं, कभी आता ही नहीं हूं। उससे चलना एक बार बंद करें। उसके अस्तित्व का निषेध नहीं है, लेकिन मेरे में उसके अस्तित्व का निषेध है। बस मैं हूं, मैं अपरिणामी हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं निष्क्रिय हूं, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। इसी को सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कहते हैं, इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकट किया नहीं जाता, प्रकट हो जाता है, सहज होता है। मुनि दीक्षा ली नहीं जाती, सहज में होती है। अनुभूति की नहीं जाती, सहज में होती है। ये सारी की सारी व्यवस्था सहज की है, स्वाभाविक की है। उसके लिए प्रयत्न करना अनंत कर्तृत्व का दोष है। अनंत कर्तृत्व, मैं शरीर का कर सकता हूँ इसमें जितना दोष है, मैं आत्मा की अनुभूति करना चाहता हूँ उसमें भी इतना ही दोष है। ये बात जीव को आज तक समझ में नहीं आई। भगवान की भक्ति पूजा और जितने पुण्य के परिणाम है,
हमें आत्मा की अनुभूति करनी हो भी उतने ही पुण्य के परिणाम है। दोनों का फल मात्र मात्र और मात्र संसार है। क्योंकि दृष्टि पर के ऊपर है, दृष्टि निमित्त के ऊपर है, और जब तक दृष्टि निमित्त के ऊपर रहेगी तो नैमित्तिक भाव उत्पन्न हुआ करेगा, ये परंपरा बंद नहीं होगी। और निमित्त नैमित्तिक भाव से जब वो हट जाएगा कि मेरा कोई निमित्त ही नहीं है, न पर पदार्थ, न वितरागी देव शास्त्र गुरु, न भगवान आत्मा, मेरा निमित्त नहीं है, बस मैं हूं निष्क्रिय। दृष्टि में तो यही रहे, यही हूं यही रहे, इस स्वभाव की महिमा ही अद्भुत अलौकिक है। बस ये एक वस्तु, त्रिकाली ध्रुव निष्क्रिय परमात्मा मैं हूं, इतनी सी बात, बस इससे आगे और कोई बात ही नहीं है। मैं हूं, मैं जो होता है वो निरपेक्ष होता है, मैं जो होता है उसकी किसी की अपेक्षा नहीं होती। मैं को किसी की अपेक्षा हो मैं नहीं कहा जाता, पर कहा जाता है मैं हूं, है ना। मैं तो यही हूं, मैं तो मैं यही हूं, दृष्टि में तो मैं यही हूं, मैं। मैं को क्या चाहिए तो मैं कहलाएगा, मैं यही हूं और मैं ही रहे, रहता भी मैं है और कोई नहीं रहता, बाकी तो सब आने जाने वाली व्यवस्था है। दृष्टि में तो मैं यही हूं, यही हूं, यही। ये बात कितनी सरल है लेकिन कठिन हो गई। जो सदा एक रूप रहता है वो वस्तु मैं हूं, ज्ञाता दृष्टा का विकल्प भी छोड़े, ए मुमुक्षु का प्राण रहा आज तक कि मैं पर पदार्थ का करता नहीं, मैं तो झरने देखने वाला हूं, लेकिन सही में ये प्राण नहीं है। ये और एक संसार में रुकने का जरिया है जो जीव को पकड़ में नहीं आता, और आज भी गुरुदेव श्री ने कहा कि पर्याय के अंदर में भगवान आत्मा सदा ही मौजूद है। जो सदा ही मौजूद है उसका ज्ञाता दृष्टा हूं, बोले बात तो फिर भी पर्याय की ओर से चली है। मैं ज्ञायक हूं, यहां से बात चले तो सम्यक दर्शन सहज में होता है। प्रयत्न की व्यवस्था ही नहीं है जैन दर्शन में, होने योग्य परिणाम को कौन करे। आज आश्रव भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव, भाव बंद और द्रव्य बंद, भाव संवर और द्रव्य संवर, सारी चर्चा है गुरुदेव ने की, लेकिन यह सहज में होने वाली व्यवस्था है। किसी को किसी के साथ में कुछ लेना देना नहीं है, आदान प्रदान नहीं है। यह तो एक बात, और दूसरी बात यहां से भी आगे चलकर सामान्य मैं हूं बस। परिणाम में होने वाली व्यवस्था से मेरे को कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं असंगी वस्तु हूं,
असंगी को किसी का संग नहीं होता, मैं को किसी का साथ नहीं होता, मैं सदा ही निरपेक्ष होता है, मैं सदा अपने आप में परिपूर्ण होता है। अब एक तरफ से अपने आप को परिपूर्ण जानना और मानना और दूसरी तरफ से परिपूर्णता प्रकट करने का प्रयत्न करना है, दोनों विरोधाभास है, एक दिशा पे चलने वाली बातें नहीं है। राग को मिटाने के लिए वितरागता की बात की गई, राग का अभाव करने की अपेक्षा से वितरागता को प्रकट करने की बात की गई। वितरकता प्रकट हो कैसे, तो कहते हैं कि द्रव्य की दृष्टि करने से। तभी वो द्रव्य की दृष्टि करता है वितरकता प्रकट करने के लिए, बात ऐसे नहीं है। बात तो राग का अभाव करने के लिए वितरकता और वितरकता के उपाय के लिए मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसी दृष्टि करने की बात जिनवाणी में की गई, लेकिन बात न परिणाम से चलती है न पर से चलती है, बात तो अपने से चलती है। और जब अपने से चलती है तो बस मैं हूँ, मैं हूँ, इतना ही वस्तु का स्वभाव है। मैं हूँ नहीं देखा तो फिर परिणाम की ओर लक्ष गया, परिणाम के अंदर में पर का लक्ष गया, पर के अंदर में रागादि भाव, तो बात इधर से उधर चलती है, उधर से इधर नहीं आती है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा नहीं माना तो परिणाम के ऊपर लक्ष गया, परिणाम के अंदर में रागादि भाव हुआ, रागादि भाव हुआ तो उसका प्रतिपक्ष वितराग भाव की चर्चा हुई। लेकिन ये तो बाहर से अंदर लाने की बात है, बाहर से दृष्टि को हटाकर परिणाम को मध्यस्थ करने की बात है, लेकिन ऐसे परिणाम मध्यस्थ होते नहीं हैं। यदि नौ तत्वों के भेद असत्यार्थ भूतार्थ है, कब, जब एक को देखे तब। एक को देखे ही नहीं तो नौ तत्व तो उसके लिए सत्यार्थ है, भूतार्थ है, वो तो वहीं पर रुका पड़ा है। एक के ऊपर में आवे तो असत्यार्थ भूतार्थ, झूठ। गुरुदेव ने झूठ शब्द यूज किया। प्रभु एक बार तो अपनी ओर से चल, कब तक पर की ओर से चलता रहेगा। पर से स्व में आने का कोई विधान नहीं है और स्व कभी पर में गया नहीं है, तो तू पर से स्व में आएगा कैसे। निष्क्रिय हमेशा निष्क्रिय ही रहा, ध्रुव रहा, अनादि अनंत रहा, तो वो तो जैसा है वैसा है। उसको विकल्प निर्विकल्पता की बात, सुत्ता असुत्ता की बात, संसार मोक्ष की बात लागू ही नहीं पड़ती। जिसको लागू पड़ती होगी उसको पड़ती होगी, मेरे को लागू नहीं पड़ती। ऐसा परमात्मा तत्व मैं हूं, ऐसा निष्क्रिय तत्व मैं हूं, मैं यही हूं यही रहे, बस इतनी सी बात है। अब आगे कहते हैं कि पर्याय की व्यवस्था क्या है, तो कि जब निष्क्रिय चैतन्य मूर्ति दृष्टि में नहीं, जब निष्क्रिय चैतन्य मूर्ति दृष्टि में नहीं तब भी पर्याय तो पर्याय से ही होती है, तू मान या न मान उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चैतन्य निष्क्रिय मूर्ति पे दृष्टि हो तब सम्यक दर्शन कहलाता है, और चैतन्य मूर्ति पे दृष्टि नहीं रहे तो पर्याय से ही होती है। उस पर्याय को कोई पलट नहीं सकता, उस पर्याय को कोई बदल नहीं सकता, उस पर्याय को कोई स्वभाव की ओर ला नहीं सकता, उस पर्याय को पर से वापस लिया नहीं जा सकता। पर्याय तो पर्याय से ही होती है। देखिए वजन दिया है, तब भी पर्याय तो पर्याय से ही होती है। एकांत किया है, पर्याय को पलटाने वाला, पर्याय को बदलने वाला, पर्याय को आगे पीछे करने वाला इस विश्व में कोई नहीं है। पर्याय तो पर्याय से ही होती है। पर्याय यदि द्रव्य की दृष्टि करती है तो अपनी योग्यता से करती है। आपने ऐसा विकल्प किया कि पर्याय को द्रव्य के सम्मुख ले जाए, उसलिए पर्याय द्रव्य के सम्मुख चली गए, ऐसा नहीं होता।
ये पर्यायी भी सत है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपनी योग्यता से परिणमती है। उसकी स्वतंत्र सत्पने की ताकत यह है कि उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। पर्याय को पर्याय पने रहने के लिए उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। वो अशुद्ध रूप परिणम है या शुद्ध रूप परिणम है, वो पर्याय पर्याय से ही होती है। कितना भी उथल पाथल हो जाए फिर भी वहां उथल पुथल करने की दृष्टि रहा करती है, उसको पर्याय के आगे पीछे करने की दृष्टि उसकी रहा करती है। बस पर्याय के अंदर में शुद्धता प्रकट करनी है, पर्याय के अंदर में मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, पर्याय के अंदर में मोक्ष प्रकट करना, ये उथल पाथल करने की दृष्टि है बिल्कुल। और ये चीज जीव को समझ में नहीं आई। यदि पर्याय पर्याय से होती है तो तू उसमें क्या करेगा? है ना, पर्याय पर्याय से ही होती है फिर भी वहां उथल पथल करने की दृष्टि रहा करती है, ये टेव है बिल्कुल झूठी मिथ्या विपरीत, जिसकी वजह से उसका संसार खड़ा। उसने पर्याय की स्वाधीनता को समझकर पर्याय के ऊपर से दृष्टि नहीं हटाई, और मैं परमात्मा हूं ऐसी दृष्टि नहीं। पर्याय देखिए, द्रव्य के ऊपर मैं दृष्टि करने का मतलब क्या है कि दृष्टि पर तरफ है उसको अंदर ले जाना। अब वस्तु तो अमूर्तिक है, ये आँख की दृष्टि की बात नहीं है, ये ज्ञान की दृष्टि की बात है, श्रद्धा की बात है। तो द्रव्य के ऊपर में दृष्टि किसको कहते हैं कि मैं द्रव्य हूँ उसका नाम द्रव्य दृष्टि है, मैं द्रव्य हूँ उसको नाम द्रव्य के सन्मुख उपयोग है। इसमें कुछ करने कराने की चर्चा ही नहीं है, बस मैं हूं। अब मैं हूं तो क्यों हूं ये प्रश्न ही नहीं है, मैं हूं तो कैसे हूं ये प्रश्न ही नहीं, मैं हूं बस। और जो मैं हूं वो परिपूर्ण हूं बिल्कुल, आकृत्रिम हूं बिल्कुल, विद्यमान हूं, शुद्ध हूं। अब उसको किसकी अपेक्षा हो सकती है? परिणाम के अंदर में अनुभूति हो उसकी फिर तो निकम्मा कहलाएगा। जिसको किसी की आवश्यकता नहीं, जो अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव से नित्य है, स्वभाव से अनादि अनंत है, स्वभाव से अकृत्रिम है, उसको क्या चाहिए? और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए ऐसा चाहिए माने जहां पे चाह की कोई चर्चा ही नहीं है, चाहने और नहीं चाहने की बात ही नहीं है, बस मैं हूं इतनी सी बात है। हमें कुछ नहीं चाहिए, एक वितरागता चाहिए, चाहिए ना, उसका नाम संसार है। उसका नाम परिग्रह है। मैं परिपूर्ण हूं, परिपूर्ण को और कौन सा परिपूर्ण चाहिए तो परिपूर्ण कहलाएगा। अपूर्ण पर्याय परिपूर्ण हो तो परिपूर्ण कहलाएगा। अब जिसको किसी की अपेक्षा ही नहीं है वो तो कहता है कि उथल पथल करने की दृष्टि रहा करती है उसकी। ईमानदारी से कुछ नहीं चाहिए एक मोक्ष के अलावा, इसका नाम संसार है। ये बात जहां समझ में आ गई तो पर्याय की दृष्टि मिट जाती है, पर्याय से अपनापन हट जाता है, पर्याय रह जाती है अपनापन मिट जाता है। क्योंकि पर्याय की व्यवस्था यह कि पर्याय तो पर्याय से ही होती है, इसको करने वाला, प्रकट करने वाला, पलटने वाला, बदलने वाला, स्वभाव की ओर ले चलने वाला, पर से वापस लाने वाला, इस विश्व में कोई नहीं है। न संयोग के कारण दुखी है, न स्वभाव के कारण सुखी होती है। वो दुखी भी है तो अपने से, और सुखी भी होती है तो अपने से। परिणाम के अंदर में आकुलता है तो अपने से, और आनंद आता है तो अपने से। इसका विश्व पर्याय का विश्व पर्याय से बना हुआ है, उसको द्रव्य की सापेक्षता नहीं है, द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो भी निर्मल स्वभावी पर्याय है।
निर्मलता उनका धर्म है, निर्मलता उनका स्वभाव है। उस स्वभाव को कोई देने वाला इस विश्व में नहीं है। अब जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कृपालु देव कहते हैं एक जगह पे एक पत्र में कि हे भगवान, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको तू क्या दे देगा। मैं परिपूर्ण हूं उसको क्या चाहिए, निष्क्रिय हूं उसको सक्रिय की क्या अपेक्षा हो सकती है, और सक्रिय की अपेक्षा हो वो निष्क्रिय कहलाएगा क्या। अपरिणामी को परिणाम की क्या अपेक्षा हो सकती है। जहां दोनों का स्वभाव अत्यंत भिन्न भिन्न, भावे भिन्नता तो सर्वथा भिन्नता है, किसी भी अपेक्षा से एकपना नहीं है दोनों के बीच में, न होता है कभी। मोक्ष में द्रव्य पर्याय एक नहीं होते, पर्याय पर्याय रहती है, द्रव्य द्रव्य रहते हैं। तो मैं ऐसा अपरिणामी परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु हूं, इतनी सी बात है। फिर कहते द्रव्य पर बैठो तो सब सहज ही है। बात एक ही है कि द्रव्य पर बैठो, द्रव्य पर बैठो, द्रव्य पर आओ, द्रव्य पर आओ, निष्क्रिय हूं, निष्क्रिय मैं ही हूं, मैं ही हूं, बस इतनी सी बात है सारी की सारी। दूसरा कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ कुछ माने मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष करना नहीं है, वो कुछ में मोक्ष भी समाता है। अपना तो काम इतना है कि बस मैं द्रव्य हूं तो द्रव्य पर बैठो। अब जो निष्क्रिय है वो कहां गया, तो कहीं नहीं गया। कहां जाएगा, तो कहीं नहीं जाएगा। कहां गया था, तो कहीं नहीं गया था। तो वो तो यूं का यूं है, जो यूं का यूं है वो मैं हूं, जो पलटता है बदलता है परिणमता है वो मैं नहीं, वो पर है, अन्य द्रव्य है, अद्रव्य है, अजीव है। इस बात का जीव को कभी विश्वास नहीं हुआ, और वही कारण है संसार का। क्योंकि देखिए, जीव ने आज तक जितने पाप के परिणाम किए उससे अनंत गुना पुण्य के परिणाम किए, और वो पुण्य के परिणाम के अंदर में उत्कृष्ट पुण्य के परिणाम अधिक किए, वितरागी देव गुरु शास्त्र के सानिध्य। तो वितरागी देव गुरु शास्त्र को मिल जाना पर्याप्त नहीं है, उसके ऊपर से वो मिल जाना, और मिल जाने के बाद उसके ऊपर से दृष्टि को हटा देना, और जिस स्वभाव की वो महिमा गाते उस स्वभाव पर बैठ जाना, पाप पुण्य से रहित, शुद्धता से रहित। शुद्धता मेरे को प्रकट नहीं करनी है, मैं तो शुद्ध स्वभाव ही परमात्मा हूं। क्योंकि शुद्ध स्वभाव है और शुद्धता पर्याय में होती है। मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, सदा अरूपी हूं, क्या चाहिए हमें और, बस मैं हूं। इतनी सी बात है जैन शासन की। अनंत ज्ञानियों के, अनंत तीर्थंकरों के, अनंत परमात्माओं के उपदेश का सारभूत हृदय इतना है कि बस मैं हूं, जो मैं हूं उस पर बैठ जाओ, द्रव्य पर बैठ, तो सब सहज ही है। तू माने तो भी सहज और न माने तो भी सहज, न माने तो उसका फल संसार, और मान ले और वहां से हट जाए, स्वभाव पर बैठ जाए, तो उसका नाम मोक्ष। मोक्ष प्रकट नहीं किया जाता,
सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया जाता, प्रकट हो जाता है। होता कब है क्यों चर्चा ही मत करो बिल्कुल, क्योंकि तूने यही चर्चा की है कि बस सम्यक दर्शन होवे तो कैसे होवे। उसके अंदर में तूने अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का सदाई अनादर किया, उसके वजह से इस जगह पर नहीं पहुंच पाया, द्रव्य पे बैठ नहीं पाया, पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखने की कोशिश की, तो बैठा तो पर्याय पे, वो पर्याय पे बैठने से वो पर्याय दृष्टि कहलाती है, संसार कहलाता है। छह सौ चौरासी में कहते हैं, परिणाम का मुख एक बार तो बदल स्वसन्मुख कर। देखिए ये उपदेश का वाक्य कहते हैं ना, ज्ञानी भी ये बात तो करते ही हैं कि परिणाम का मुख एक बार तो बदल, अनादिकाल से तूने पर की ओर रखा, एक बार तो स्व की ओर ला, स्वसन्मुख कर। लेकिन स्वसन्मुख का मतलब क्या है? मैं हूं उसका नाम स्वसन्मुख। सारी बात का निचोड़ यदि लाया जाए तो स्वसन्मुख कैसे कर? पर्याय पर पदार्थ की ओर झुकी हुई है, वो स्वभाव की ओर झुके तो उसने स्वसन्मुख किया, ऐसा कहने में आता है। किया नहीं जा सकता, होता है। होता कब है कि मैं हूं तब होता है। मैं के बिना उस परिणाम के अंदर में कभी स्वसन्मुखता हो ही नहीं सकती, और मैं निष्क्रिय हूं इस बात पे ही। सिर्फ मैं ज्ञायक हूं, मैं अपरिणामी हूं, मैंने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव मैं हूं, बस उस पर ये चीज पर्याय की दृष्टि सहज स्वभाव की ओर झुक जाती है, ढल जाती है, बल जाती है, ऐसा कहने में आता है। पर्याय के अंदर में सुख भगवान आत्मा के कारण नहीं आता, आनंद भगवान आत्मा के कारण नहीं आता, न दुख पर के कारण आता है। दुख का कारण भी अपनी योग्यता और सुख का कारण भी अपनी योग्यता। पर्याय में पर से आनंद आता ही नहीं, पर्याय में पर्याय से ही आनंद आता है। वो कहता है कि द्रव्य की दृष्टि की, उसलिए आनंद आता है। ये प्रमाण का वाक्य है, पूरे आत्म तत्व की बात है इसके अंदर में। लेकिन वास्तविकता से देखा जाए, दोनों के स्वभाव से देखा जाए, द्रव्य परिणाम की व्यवस्था से देखा जाए, तो परिणाम में द्रव्य आया ही नहीं, तो आनंद द्रव्य में से कहाँ से आएगा? और द्रव्य अपरिणामी है, उसमें से कुछ निकल जाए और परिणाम के अंदर में चला जाए तो अपरिणामी कैसे रहे? परिणमते परिणाम अपनी योग्यता से शुद्ध या अशुद्ध रूप परिणमते हैं। लेकिन उपदेश का वाक्य में ऐसा आता है कि स्वसन्मुख कर, जब दृष्टि पलट जाएगी तो दौलत मौजूद है। दौलत प्रकट करने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो विद्यमान है। अब जो विद्यमान है उसको प्रकट करने के लिए क्या किया जाए? फिर तो कहो विद्यमान ही नहीं है। जो वस्तु हजरा हजूर है, प्रकट है, मौजूद है, तो दौलत मौजूद है बोलते, परमात्मा तो मौजूद है, तो करना क्या? दृष्टि को पलटना। जब दृष्टि पलट जाएगी तो बात दृष्टि पलटने की। अब दृष्टि किसको पलटी कही जाए? मैं हूं तो उसका नाम दृष्टि पलट गई। मैं परमात्मा हूं उसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। आज तक मैं प्रकाश हूँ, शरीर हूँ, संयोग जो है वो मेरे हैं, ऐसी दृष्टि थी सारी। अब उस दृष्टि के अंदर में ये बस गया कि मैं परमात्मा हूँ, तो दृष्टि बदल गई। दृष्टि का बदलना का मतलब यह है कि मैं द्रव्य हूँ उसका नाम दृष्टि का बदलना, मैं परमात्मा हूँ उसका नाम दृष्टि का बदलना है।
इसलिए सुगानी जी बारंबार कहते हैं कि द्रव्य पे बैठ जाओ। आज तक तू द्रव्य पर नहीं बैठा, और द्रव्य पर बैठना माने मैं निष्क्रिय हूं, मैं अपरिणामी हूं, मैं परमात्मा हूं, इसके अलावा और कुछ चल ही नहीं सकता। बात कितनी छोटी सी है, कितनी अल्प है कि द्रव्य में बैठकर अपने को द्रव्य रूप मानना। मैं दुखी हूं और सुख को प्रकट करना, यह बात तो केजी नर्सरी की है, और द्रव्य की दृष्टि करने से सुखी होता हूं यह बात एसएससी की है, और मैं द्रव्य हूं यह पीएचडी है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, एक क्रम इतना सा है। न कहीं से हटना है न कहीं पे जाना है। जो निष्क्रिय कहीं पे गया ही नहीं, यदि मैं पर पे गया हूं, पर्याय में गया हूं, तब तो उसको वापस लाने की चर्चा चले, मैं कहीं गया ही नहीं। मैं जो कहती हूं मैं परमात्मा हूं, मैं अपरिणामी हूं। तो बहुत लोग कहते हैं कि वो तो शास्त्रों के अंदर में आता है कि एक बार तो उसको संसार का दुख का एहसास करना होगा, स्वीकार करना होगा, मुझे सुख के अलावा और कुछ नहीं चाहिए ऐसा निर्णय करना होगा। है ना, जिनवाणी के अंदर में सब कुछ बात है, कोई बात ऐसी नहीं है जो जिनवाणी के अंदर में नहीं पाई जाती है। लेकिन कौन सी बात किसी जगह से कहाँ पे ले जाने के लिए एजेंडा पे बात किया है, उसको समझ कर उस बात का अपने को विचार करना होगा। और यदि ये सारी बात समझ में आ गई है, छह द्रव्य की व्यवस्था, स्वपर की व्यवस्था, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था, नौ तत्व की व्यवस्था, एक जीव पदार्थ की व्यवस्था, ये बात जिसको समझ में आ गई, तो फिर तो पीएचडी के अलावा कुछ बाकी नहीं रहता। और उसका विधान इतना है कि बस मैं निष्क्रिय हूँ, अपरिणामी हूँ, इसके अलावा दूसरी कुछ चर्चा चल ही नहीं सकती। त्रिकाली धाम में नित्य व क्षणिक दो सत का अनुभव एक साथ होता है, वो श्रुत ज्ञान है, यही प्रमाण ज्ञान है। जब अनुभूति होती है तो क्या होता है, द्रव्य पर्याय का ज्ञान एक साथ होता है, दोनों सत का अनुभव होता है, दोनों सत, दो सत रूप अनुभव होता है, एक रूप अनुभव नहीं होता। लेकिन विकल्प नहीं है, उसलिए एक रूप अनुभव होता है, उसका नाम प्रमाण ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। लेकिन द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता और पर्याय द्रव्य रूप नहीं होता, भेद विकल्प नहीं है, उसलिए जो है सो आत्मा है। द्रव्य पर्याय का ज्ञान नहीं होता, आत्मा का ज्ञान होता अनुभूति में। लेकिन जब अनुभव से बाहर आता है तो कहता है मैं द्रव्य हूं, तो फिर अनुभूति होती है। प्रमाण ज्ञान माना पूरी वस्तु का ज्ञान, द्रव्य पर्याय का ज्ञान, दो सत का ज्ञान। लेकिन वो दो सत का ज्ञान कहते हैं उसको है कि दोनों एक नहीं होते, भेद विकल्प नहीं होता, उसलिए उसको आत्मा का ज्ञान कहता है। उस आत्मा का ज्ञान का नाम प्रमाण ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, भावश्रुत ज्ञान। उस स्वस्थान से बाहर निकलना कठिन दुखमय लगता है, और जो एक बार वहां चला जाता है उसको वहां से निकलना कठिन लगता है, दुखमय लगता है। जीव को क्रिया का शोक हो रहा है कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, जानने की क्रिया करता हूँ, लेकिन एक समय के परिणाम में, परिणाम से मैं अधिक हूँ, ऐसी दृष्टि तो एक बार अवश्य होनी चाहिए। स्थिति क्या रही, जीव को क्रिया का शोक रहता है कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, जानने की क्रिया करता हूँ, पर पदार्थ का कुछ नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ, जानने की क्रिया करता हूँ, जानना देखना तो मेरा स्वभाव है। लेकिन एक समय के लिए परिणाम से मैं अधिक हूँ, अधिक हूँ माने भिन्न हूँ, ऐसी दृष्टि तो एक बार अवश्य होनी चाहिए। और ये हुए बिना जैन शासन की अनुभूति नहीं होती, जैन शासन नहीं समझ में आता। एक बार
अवश्य होनी चाहिए। आज तक ये दृष्टि नहीं हुई, बाकी सब कुछ हुआ। उसने अनादि काल से द्रव्य की दृष्टि करने का ही प्रयत्न किया। जब जब जैन शासन मिला, आर्यन परमात्मा मिला तब। लेकिन ये उपाय नहीं है, ये मार्ग नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। परिणाम द्रव्य की दृष्टि करे तो करो, न करे तो न करो। परिणाम के अंदर में बाह्य संयोग के रूप में निगोद हो कि परिणाम के अंदर में मोक्ष हो, विकल्प हो या निर्विकल्प हो, आश्रय हो या संवर हो, बंद हो या मोक्ष हो, मेरे को किसी भी अवस्था में कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे में कुछ घटता नहीं है और बढ़ता नहीं है। कम अधिक के बिना एक रूप रहने वाला, निष्क्रिय संपूर्ण अनादि अनंत शुद्ध परमात्म तत्व मैं हूं। इतनी सी बात, बस वही जैन दर्शन का प्राण है। बाकी यहां तक पहुंचने के लिए बाकी सारी चर्चाएं हैं, जितनी भी विस्तार है सब यहां पे। जीव किसी भी प्रकार से यहां पे पहुंचे, उस करुणा से आचार्य भगवंतों ने सारी बात कही है। लेकिन यहां पे आए बिना कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। मैं निष्क्रिय अपरिणामी परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु हूं, इतनी सी बात है। इसके बाहर जैन शासन नहीं है, इसके बाहर जिनवाणी को कुछ कहना नहीं है, इसके बाहर बारंग चौदह पूर्व का कोई सार नहीं है। अनंत परमात्मा की वाणी का सार इतना ही है कि मैं निष्क्रिय अपरिणामी परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु हूं। बस इतनी बात कहनी है, इतनी बात समझानी है। जिसने इतना समझा उसने पूरा जैन शासन समझा। प्रथम तो मेरे में कुछ होता है ना, ऐसा अभिप्राय ही झूठ है। मेरे में कुछ होता है ना, अभी दुख है, आकुलता है। स्वभाव की दृष्टि करने से सुख होगा, अनाकुलता होगा, कुछ होता है ना, ये दृष्टि ही झूठ है। पर देखिए, आप अपने आप को ईमानदारी से अपने आप को पूछ लेना कि क्या भाव चलता है। जिनेन्द्र भगवान के सामने खड़े रहते तो भाव ही चलता, भगवान आप जैसा मैं बन जाऊं, आपका ऐसा वर्तमान ऐसा मेरा भविष्य हो, यही भाव चलता है। आपका भूतकाल जैसा था ऐसा मेरा वर्तमान है, तो दृष्टि कहां पे? संसार के ऊपर और भावी में मोक्ष के ऊपर। ये परिणाम की दृष्टि उसकी मिटती नहीं है। भगवान तू भगवान तो मैं भगवान, तू सिद्ध तो मैं सिद्ध, तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, ये दृष्टि नहीं परिपक्व होती। कुछ तो होता है ना, ऐसा अभिप्राय ही झूठ है, ऐसा अभिप्राय ही संसार है। अभी आकुलता है, अनाकुलता, निराकुलता प्रकट करनी है, दुख है, आनंद प्रकट करना है, संसार में हूं, मोक्ष में जाना है। ये झूठ दृष्टि है, इसका नाम संसार है। मोक्ष में जाना है उसका नाम संसार है। सम्यक दर्शन प्रकट करना है उसका नाम मिथ्या दर्शन है। बात हो सकती है बहुत आकरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन बात यही सच है और यही अंतिम बात है। इस बात पे जो आया उसको नेक्स्ट स्टेप आत्मा है, सुधात्मा है। बस इससे आगे और कोई चर्चा नहीं है जैन शासन में। फिर इससे बाहर निकलकर पर्याय की सारी चर्चा हो, इसका विस्तार है। सुधात्मा इतना है, जितना सुधात्मा है उतना मैं हूं। और इस परिस्थिति के अंदर में अनुभूति हुए बिना नहीं रहती, सहज होती है
बिना परिश्रम होती है, निर्मलता प्रकट जाती है, आनंद आ जाता, सब कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ होता है मेरे में। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? निष्क्रिय वस्तु में क्या होता है? कुछ नहीं होता। जब कुछ नहीं होता तो मेरे में कुछ होता है ना? अभिप्राय तो झूठ है। अद्भुत से अद्भुत अपना स्वभाव है। इस स्वभाव को यदि देखा जाए तो कितना सरल, कितना सहज, कितना स्वाभाविक, बिना परिश्रम का संपूर्ण, बिना परिश्रम का परिपूर्ण, ऐसा बना बनाया निष्क्रिय भगवान आत्मा, शुद्धता का पिंड, ज्ञान घन, अनादि अनंत, एक रूप, नित्य, बस वह मैं हूं। ऐसी दृष्टि जहां हुई तो उस द्रव्य पर बैठा कहलाता है, और द्रव्य पर बैठा उसका मतलब सम्यक दर्शन। द्रव्य पर बैठे उसी क्षण यदि सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। और सम्यक दर्शन करने के लिए वो द्रव्य पर बैठ जाए, ऐसा भी हो नहीं सकता। कोई सम्यक दर्शन करने के लिए द्रव्य पर बैठना चाहे तो द्रव्य पर बैठ नहीं सकता, और द्रव्य पर बैठे और उसी क्षण सम्यक दर्शन न हो, ऐसा हो नहीं सकता। कितना अद्भुत जैन दर्शन है कि आप निष्प्रपन है, कोई भी अपेक्षा के बिना सही में त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तत्व मैं हूं, ऐसी दृष्टि जिस वक्त हुई उस वक्त के उस समय के परिणाम का नाम सम्यक ज्ञान है। परिश्रम हो ही नहीं सकता जिसमें। ऐसा अद्भुत से अद्भुत जैन दर्शन, ऐसा अद्भुत से अद्भुत ज्ञानियों का उपदेश, ऐसा अपूर्व मार्ग बतलाने वाले गुरुदेव परंपरा आचार्य भगवंतों की मार्ग जिनेन्द्र परमात्मा का, एक बात में निष्क्रिय ही हूँ, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान सबके अंतरंग में, एक द्रव्य के ऊपर बैठना, बस इतना ही भाव, इतना ही विश्वास, यह जैन दर्शन की अनुभूति है जो सहज मात्र में होती है। बिना अपेक्षा निरपेक्ष स्वभाव के अंदर में बैठते ही ये परिणाम सहज होते हैं। इस व्यवस्था को जानकर, इस व्यवस्था को मानकर, किसी भी अपेक्षा के बिना, किसी भी अभिप्राय के बिना, किसी भी मान्यता के साथ छोड़कर, मैं स्वभाव से निष्क्रिय ध्रुव अपरिणामी परमात्मा हूँ, ऐसा भाव सबके अंतरंग में सहज बहता रहे, इसी मंगल भावना के साथ।